हेलो फ्रेंड्स, अब दिल्ली में मकान लेना हो गया है और भी ज़्यादा आसान, क्योंकि होम एंड लोन लिंकर्स लेकर आया है आपके लिए रेंट जितनी किश्तों पर अपना खुद का 2 BHK का फ्लैट। सिर्फ 21,000 रुपये देकर इस फ्लैट को करें बुक और बाद में रजिस्ट्री जितना अमाउंट देकर इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करें। बाकी का अमाउंट हम आपको लोन करवा कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारा होम एंड लोन लिंकर्स का जो प्लेटफॉर्म है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहां हम आपको होम और लोन दोनों ही प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। तो बहुत हुई डिटेल्स की बात, अब देखते हैं सीधा फ्लैट को। तो जल्दी से देख लीजिए क्विक हाईलाइट। तो ये आ जाता है हमारे फ्लैट का फ्रंट का एलिवेशन, जो कि व्हाइट एंड ग्रे कलर में आपको बनाकर दे रहे हैं। एंट्री गेट आपको ग्रे कलर में हम बनाकर दे रहे हैं, जो कि सॉलिड आयरन का बना हुआ है। इसमें 2 BHK आपको फ्रंट साइड में मिल जाता है। इसी के साथ देख लीजिए हमारा फ्रंट का रोड। ये रोड हमारा 15 फीट वाइड रोड रहने वाला है, जहाँ से आप इजीली अपने व्हीकल को ले आ जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी पार्किंग को, और ये आ जाती है हमारी स्पेशियस सी पार्किंग। इस फ्लैट में आपको 4 व्हीलर की पार्किंग मिल जाती है। आप अपने व्हीकल को यहाँ पर इजीली पार्क कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि इस पार्किंग में आपको 3-3 एंट्रेंस गेट मिल जाते हैं। एक बार इसकी फॉल सीलिंग देख लीजिए, जहां पर आपको कॉपलाइट और मूनलाइट का वर्क देखने के लिए मिलेगा। हम इस पार्किंग में आपको टाइल का वर्क भी करके दे रहे हैं, जिसकी हाइट 4 फीट तक रहने वाली है। इससे आपकी पार्किंग और भी ज्यादा अच्छी दिखती है और गंदी भी नहीं होती। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं हमारा लिफ्ट का एरिया। सामने की तरफ मिल जाता है आपको लिफ्ट, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है। हाईलाइट के लिए हमने यहाँ पर बाहर आपको टाइल का वर्क करके दे रहे हैं, और लिफ्ट के साथ में ही आपको मिल जाता है स्टेयर्स। ये स्टेयर्स के स्टेप्स काफी छोटे और वाइड बनाए गए हैं, जिसमें आपको चढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने आपको यहाँ पर लाइट का वर्क भी करके दे रहे हैं, ताकि आप रात को या अंधेरे में जब भी अप डाउन करें तो आपको कोई परेशानी बिल्कुल भी ना हो। होम एंड लोन लिंकर्स आपकी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखता है। और ये आ जाता है हमारा 2 BHK का फ्लैट, जो कि 60 स्क्वायर यार्ड्स में बना हुआ है। जैसे ही हम एंट्री करते हैं, हमें मिलता है हमारा लॉबी का एरिया, और लॉबी के एरिया से ही एंट्री करते हुए हमें मिलता है हमारा फर्स्ट बेडरूम, जो कि लेफ्ट साइड में बना हुआ है। किंग साइज का बेड लगाकर हम आपको दिखा रहे हैं कि बेड के लेफ्ट और राइट में फ्रंट साइड में भी आपका कितना स्पेस बच जाता है। ये बेडरूम काफी स्पेशियस रहने वाला है। एक बार इसका बेड हेड भी देख लीजिए। बेड हेड में हम आपको कोल्ड इन कवर करके दे रहे हैं, और लेफ्ट साइड में आपको वार्डरोब बनाकर दे रहे हैं, जो कि टॉप तक बनी हुई है। यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं, और बेड के ऊपर भी आपको मिल जाता है वार्डरोब और साइड में शेल्फ्स। एक बार इसकी फॉल सीलिंग देख लीजिए। फॉल सीलिंग हम आपको डायमंड शेप में बनाकर दे रहे हैं, जो काफी ही अच्छा लग रहा है। वेंटिलेशन के लिए आपको इस रूम में मिल जाती है शाफ्ट विंडो, तो इस रूम में आपको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली। स्प्लिट एसी का प्रोविजन हम आपको यहाँ पर करके देते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा लिविंग हॉल। ये आ जाता है हमारा लिविंग हॉल,
जहां पर हम आपको एल टाइप का सोफा इंस्टॉल करके दिखा रहे हैं, तब भी आपका काफी स्पेस बच जाता है। फ्लोरिंग में आपको एंटी स्क्रैच प्रूफ टाइल्स देखने के लिए मिलेंगी जो कि प्रीमियम क्वालिटीज की हैं। और लिविंग हॉल में भी वेंटिलेशन के लिए आपको मिल जाती है शाफ्ट विंडो, तो आपके लिविंग हॉल में भी वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम आपको यहाँ पर इंट्रोकॉम की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाते हैं। जहां पर आप अपना सोफा इंस्टॉल करेंगे उसी के फ्रंट में आपको मिल जाता है आपका टीवी पैनल। इस टीवी पैनल पर आप अपना 50 इंचेस का टीवी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका कलर कॉम्बिनेशन काफी ही अच्छा लग रहा है। साइड में हम आपको शेल्फ्स बनाकर दे रहे हैं जहां पर आप अपनी डेकोरेटिव आइटम को डेकोरेट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं जहां पर आप अपना सामान रख सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हमारे किचन की तरफ। ये किचन एक मॉड्यूलर किचन है जो कि एल शेप में बनाई गई है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा लग रहा है। और इस किचन में हम आपको 5 फीट तक टाइल का वर्क भी करके दे रहे हैं जो कि ग्रे कलर में है। इससे आपकी किचन कभी भी गंदी नहीं होने वाली। हमने यहाँ पर स्विच एंड बोर्ड का कलर कंट्रास्ट में रखा है जिससे ये और भी ज्यादा अच्छा दिखता रहे। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर मिल जाती है विंडो, तो वेंटिलेशन की इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और इस तरफ मिल जाते हैं आपको नॉइस प्रूफ सिंक्स। जितनी भी सैनिटरीज आपको मिलेंगी सब नॉइस प्रूफ ही मिलेंगी। ऊपर की तरफ आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं। हम आपको यहाँ पर चिमनी भी प्रोवाइड करवाते हैं। नीचे की तरफ आपको ड्रॉर्स और बकेट्स मिल जाती हैं जो कि प्रीमियम क्वालिटीज की हैं। ये सारी स्टील की बनी हुई हैं जिसमें जंग आपका कभी भी नहीं लगेगा। और इस तरफ मिल जाता है आपको रेफ्रिजरेटर रखने के लिए स्पेस। आप चाहे तो अपना डबल डोर वाला रेफ्रिजरेटर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। किचन के एंट्रेंस पर हम आपको एक शेल्फ बनाकर दे रहे हैं जहां पर आप अपना सामान डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा कॉमन वॉशरूम। ये आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम और ये काफी स्पेशियस रहने वाला है। फ्लोरिंग में हम आपको एंटी स्लिप टाइल्स लगाकर दे रहे हैं और टॉप तक टाइल का वर्क भी करके दे रहे हैं। जितनी भी सैनिटरीज का यूज होगा सब प्रीमियम क्वालिटी की लगा कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं हमारा सेकंड बेडरूम। ये सेकंड बेडरूम हमारा मास्टर बेडरूम है। इसका साइज भी काफी स्पेशियस रहने वाला है। बेड लगाकर हम आपको दिखा रहे हैं कि बेड के फ्रंट लेफ्ट और राइट साइड में कितना स्पेस बच जाता है। बेड हेड पर हम आपको कुल्डिन का वर्क भी करके दे रहे हैं। फ्लोरिंग में आपको एंटी स्क्रैच प्रूफ टाइल्स का वर्क देखने के लिए मिलेगा। और फॉल सीलिंग में हम आपको मूड लाइट और कॉप लाइट का वर्क भी करके देंगे। इस साइड आ जाती है आपकी वार्डरोब जो कि टॉप तक बनी हुई है और ये स्लाइडिंग डोर्स के साथ आती है। साइड में हम आपको शेल्फ भी बनाकर दे रहे हैं जहां पर अपना डेकोरेटिव आइटम को आप डेकोरेट कर सकते हैं। और ये आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम। इसकी फ्लोरिंग में हम आपको वुडन टेक्सचर में टाइल का वर्क करके दे रहे हैं और टॉप तक टाइल का वर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। सारी प्रीमियम क्वालिटीज की सैनिटरीज का ही यूज होगा। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर विंडो भी मिल जाती है। और ये आ जाती है हमारी बालकनी। और इस बालकनी को हम अच्छे साइज में बनाकर दे रहे हैं जहां पर आपको टॉप तक टाइल का वर्क देखने के लिए मिलेगा। और ऊपर की तरफ आपको फॉल सीलिंग में भी वर्क देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर हम आपको टैप भी लगा कर देंगे जहां पर आप अपनी वॉशिंग मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टफन ग्लास और स्टील की रेलिंग भी लगा कर दे रहे हैं। ये काफी सॉलिड रहने वाली है। तो इसी के साथ फ्लैट की विजिट होती है खत्म। आपको ये फ्लैट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ ही यूनिट्स अवेलेबल हैं
बिना देर किए आप जल्दी से इसको अपना सपनों का घर बनाएं। अगर इसका प्राइस जानना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।